इंशाल्लाह आप गवा रहे ना, 6 तारीख को 9 बजे रिकाउंटिंग है, इंशाल्लाह जीत पीपुल्स पार्टी को होगी। इलेक्शन कमीशन NA 249 ते वोटिंग की बीहर गणप वाली नवाज लीग की दरख्वास्त मंजूर कर वरती। वोटिंग की बीहर गणप 6 मई से कराई वी। इलेक्शन कमीशन तरफा समूरन धुरियन के 6 मई से RO ऑफिस पहुंचण जो हुकुम। इलेक्शन कमीशन नवाज लीग अगवान मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त महफूज कल मुख्तसर फैसलो जारी कर छोड़ो। तफसीली फैसले बाद में जारी किया वो। इलेक्शन कमीशन है तो 6 मई से सुबह जो 9 वगे वोटिंग की बीहर गणप शुरू कई वी। पीपल्स पार्टी वोटिंग की बीहर गणप में भी कामयाबी लाए पुरोबी। सूबाई वजीर सईद गनी है तो पीपल्स पार्टी वोटिंग की बीहर गणप बारे अमल के किथे भी चैलेंज ना है। नवाज लीग के उसूली तौर हार मन घुर्ज हा। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मायूसी की का भी गाल ना है। नवाज लीग के सदर तरफा वोटिंग के बीहर गणप बाबत इलेक्शन कमीशन के फैसले से खुशी जो इजहार। शहबाज शरीफ है तो वोटिंग की साख की जमहूरियत जो बुनियाद है। वोटिंग के घट फर्क सबब शफाफियत रखने लाई बीहर गणप जो फैसलो थो। चाहूँ था तो वोटिंग के शफाफ नमूने बीहर गणप थे। नवाज लीग की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज है तो पेंजी चोरी थियल वोट आई सीट वापस वठण लाई जेको थी सको कंदासी। NA 249 के आवाम लाई दिल जान से वेढ़ कंदासी। तक ते रद्द थियल वोट लीड वोटिंग का वधीक आहन। इलेक्शन कमीशन रद्द थियल सूदो हर वोट जो बीहर चाहे सो वठे। NA 249 ते बीहर वोटिंग जो जवाज ही नथो ठहे। कराची में नंढी चूंड दौरान बदतरीन धांधली कई वही। PGI NA 249 ते बीहर चूंड जो मुतालबो कर छोड़ो। सुलसमा वाले वफाकी वजीर फवाद चौधरी है तो वफाकी काबीना बिन ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दई छी। सुलसमा वाले वफाकी वजीर फवाद चौधरी है तो ऑर्डिनेंस जरिए इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल जो अख्तियार दिनों वो है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 20 मिंटन में समूरे तक जहाँ नतीजा अची वा। पीपुल्स पार्टी ए नवाज लीग समुट पार पाकिस्तानियों के वोट जो हक नथियो दियण चाहिन। हुकूमत चाहे थी तो परडे में रहंदड़ 90 लख पाकिस्तानियों के वोट जो हक मिले। EVM बाबत कानून साजी के हवाले से कम मुकम्मल थी वयो। बायोमेट्रिक जी टेक्नोलॉजी ते कम रहल है। सिंध में पानी की संगीन खोट बावजूद पंजाब इजाजत वठन बिना तोनसा पंजनत कैनाल खोले छोड़ो। कैनाल में पानी जो छोड़ जारी। इरसा में सिंध के मेंबर पंजाब की दाद मुर्सी खिलाफ अथॉरिटी के चेयरमैन के खत लिखी छोड़ो। पंजाब तरफा TP कैनाल के खोलने खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड। इरसा में सिंध के मेंबर जाहिद जुड़े जो है तो सिंध अंदर पानी की खोट पे लगायल काथे खां वही है। पंजाब कैनाल्स खोलने बदरा खोट में भी हिस्सेदार थे। इरसा चेयरमैन खान TP लिंक कैनाल जल्द बंद कराने जो मुतालबो। गुडू बैराजवट पानी की खोट 100 सैकड़ो थी वही। सखर बैराजवट पानी की खोट 70 सैकड़ो आई। कोटड़ी बैराजवट खोट 42 सैकड़ो थी वही। वफाकी काबीना सिंध हुकूमत की दरख्वास्त सूबे में SOP से अमल लाए फौज मुकर्रर करने की मंजूरी दई छी। ईद ते कैदियों की सजा में 90 दिन की घटाई की मंजूरी। संगीन दोहन में मुलविस कैदियों की सजा न घटाई वी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत वफाकी काबीना के इजलास दौरान SOP से अमल लाए सिविल इंतजामिया से गड पाक फौज मुकर्रर करने की मंजूरी। KPT के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की नई सिर जोड़जक हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सिला में मेंबर प्रोडक्शन मुकर्रर करने की भी मंजूरी दिनी वही। वफाकी काबीना नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुकर्री की मंजूरी दई छी। समूरन मुसलमान रियासत के गर्जी इस्लामोफोबिया खिलाफ कम करो पव। OIC का सवाए बो को भी फोरम इन मामले में असरायतो किरदार अदा नथो करे सके। OIC मुल्क के सफीरन के खिताब दौरान वज़ीर आज़म चयो त दुनिया अंदर इस्लामोफोबिया में वाद थी रही है। असा ओलह मुसलमान मुल्क विच में पैदा थियल खिला खत्म करण घुरू था। ओलह के मुल्क के बुधायण घुरू था त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असान दिलन में रहे तो उन खिलाफ का भी गाल बर्दाश्त न कंदी। ओलह की दुनिया के बेहुरमती जो जवाब दियण पव। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफरत के हथी मिली रही है। दहशतगर्दी इंतहा पसंदी जो को मजहब ना। जजिस मुकररी बाबत अदालती कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरफा उमानल जजिस के नालन से एतराज़ फारे छ्या। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अदालती कमीशन जो इजलास
कमीशन तरफा पिशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का बीहर नाला तलब। कमीशन टिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की मुकररी लाए अजहर खान, फजल सुबहान और शाहिद खान के नालन के कैंसिल कर छो। जजेस मुकररी बाबत पार्लियामानी कमेटी तरफा लाहौर हाईकोर्ट में मुकररी लाए 13 जजेस जहाँ इंटरव्यूज अज मुकम्मल कया वा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की महंगाई की शरह में वाद से हुकूमत मथा छिती तनकीद। जारी थियल बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी है तो वजीर आजम होश कर मुल्क अंदर महंगाई की माहवार शरह 11% का वही वही है। अलमियो है जो महंगाई घटजन जो को भी इम्कान ना है। हुकूमत जो हर ढी महंगाई जो नौ तूफान आने रो है। कणक कमंद पोखण वो मुल्क अटो खंड घुराइ तो मुल्क कि हल। नायब ऑफिसर्स के इदारों हलायण ही नो अचे। नायब ऑफिसर्स वा फ्रॉड कर रहा है। चेयरमैन खामोश है। नायब चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट जो अगूणो जज है। इंक्वायरी बिना कें सरकारी मुलाजिम के फारिग किए तो करे सके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जा जवाबदार का रिश्वत वठण से फारिग थियल नायब ऑफिसर्स खिलाफ दरख्वास्त से बुधनी दौरान रिमार्क्स। नायब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर इमरानुल हक के कावड़ जो इजहार। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स दीदे चयो ते 3 साल गुजरण बावजूद नायब इन केस में कुछ ना ही कयो। जानी वाणी घपलो हयो तो जी केस खराब थे। नायब जो इदारो तमाशो बना रो है। नायब पेंजे तरफा जांच मुकम्मल करने लाए सुप्रीम कोर्ट में केस वापस वी छो। मुल्क में फौज की मुकररी से SOP से अमल में बेहतरी अची वही। SOP से सब का घट अमल सिंध सूबे में 45% थो। वफाक सब का वधिक SOP से अमल करायो। वफाकी वजीर असद उमर ताई SOP से अमल के वधाने की जरूरत है। मुल्क में पहरियों भेरो एक ढी अंदर 1.5 लाख का वधिक मानुन के कोरोना वैक्सीन लगाए वरती। 40 साल उनका वधिक उम्र के मानुन के वैक्सीन लगाई पे वे। जिन मानुन वैक्सीन न कराई है उ पान के रजिस्टर कराई। हैदराबाद में कोरोना केसेस वधण ते वधिक सत यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन लागू। लतीफाबाद के 3 सिटी तालकन 81 के वधिक बिन यूसीस में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया वो। दादन शाह कॉलोनी गाड़ी खातो हैदर चौक वींदड़ रस्ता कंडेदार तारू रखी बंद। सरफराज कॉलोनी मेमन हाउसिंग सोसाइटी अनवर विलास मारवी टाउन निकाश विलास अमलदार चौक आई हैप्पी होम्स में शहरन की अचवन बंद। पुलिस एहलकार मुकर्रर। पुलिस यौम अली के मौके पर मातमी जलूस रूट्स के सील कर छो। अलमदार सोसाइटी में पिण लॉकडाउन लागू। सिंध में उरड़ी का बचा चटुका लगाने में गफलत करने खिलाफ कार्रवाई करने जो फैसलो। सूबाई वजीर अजरा फजल पेचूह है तो बारन के उरड़ी का बचा चटुका लगाने में गफलत करने के शोकास नोटिस जारी कया वन। अड़न ऑफिसर्स खिलाफ कार्रवाई कई वेंदी। सूबे में ताजो जायल बारन की स्क्रीनिंग कराने भी फैसलो किया वो है। स्क्रीनिंग से बारन में माजूरी बाबत अगवाट जान मिली सी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में मुबैना अखवातल रिटायर्ड पुलिस एहलकार जो झिरक भरसा गोली लगल लाश हथ। पुलिस नबी गुल पठान जो लाश पोस्टमार्टम ला अस्पताल मुंतकिल कर छो। वारसन जो चवण है तो नबी गुल पठान रिटायर्ड जमादार हो। केस गुजरियल ढी कराची में अगवा कर पो। अणजातल हथियार बंदन नबी गुल पठान के तशद्दुद बाद गोलियों हणी कतल कर छो। पुलिस चवण है तो पोस्टमार्टम बाद मामले की वधिक कार्रवाई कई वी। फैसलाबाद से हुंडाला वाले इलाके में हाँ डारी नड़भाको। पी ईद जा कपड़ा वी नगण से चैन बारन के ढंड में उछले मारे छो। पुलिस जवाबदार मोहसिन के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस चवण है तो जवाबदार गरीब हुजन सबब बारन के ईद लाए कपड़ा वी न दे सको। जैसे 3 धीरन एक पुट के ढंड में उछले छो। नतीजे में 4 ही बार बुरी फौत की वह। जवाबदार पैं दोह लिखाने लाए माइटन के बुधा तो बारन के लाहौर छे आयो आया। जवाबदार जांच दौरान दोह जो एतराफ़ कर वरतो। आई गंबट में औरत तरफा बिन मारन सूधो केनाल में ट्रपोरी आबघात करने की कोशिश। इलाके वासन फौरी तहरुक में अची औरत के रोके वरतो। इतला पुलिस पहुंची औरत संदस बारन के थाने ते मुंतकिल कर छो।
मुस्तफा सलमा शेख जो चवण है तो उन मुड़स सावरन के जुल्म का तंग थी आबका की कोशिश कई मानी देर से पचाने से मुड़स सस तशद जो निशानो बनाया वाक़े बाद औरत जहा साहुरा घर खाली कर फरार पुलिस जो चवण है तो औरत की अदालत में पेश कर वो औरत वालदेन दा मन घुरे थी अदालती हुकुम तहत कार्रवाई के अगते बधाए वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मां हां शाहिद सियाल।